हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू टेली टेक। आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर और एक नई वीडियो में। तो इस बार की वीडियो में आपको ये बताने वाले जो कि वीक 7 है उसकी फुल मार्केट टीआरपी रिपोर्ट आ चुकी है। इस बार की मार्केट टीआरपी रिपोर्ट में आपको ये बताएंगे कि आपका जो कि फेवरेट सीरियल है एंड आपका जो कि फेवरेट चैनल है उनकी इस बार रैंकिंग क्या है एंड टीआरपी क्या है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। एंड हाँ, इस बार नागिन 6 की भी फर्स्ट वीक की टीआरपी आ चुकी है। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह देखेंगे हमारे जो कि टॉप 10 चैनल है उनकी रैंकिंग क्या आई है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे जो कि टॉप 10 चैनल है उनकी रैंकिंग क्या है। तो नंबर 1 पर स्टार प्लस है, नंबर 2 पर कलर्स टीवी है एंड नंबर 3 पर जी टीवी है, नंबर 4 पर सब टीवी है। इस बार जो कि जी टीवी वो नंबर 3 पर आया एंड नंबर 4 पर सब टीवी आया। नंबर 5 पर सोनी टीवी है, नंबर 6 पर दंगल टीवी है एंड नंबर 7 पर स्टार भारत है एंड नंबर 8 पर एंड टीवी है। ये थे हमारे टॉप 10 जनरल हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल। अब हम सबसे पहले देख लेंगे अजादा टीवी की टीआरपी। तो पवित्रा भरोसे का सफर की 0.7 आई, इसकी ठीक ही टाइगन स्टेबल है चैनल पर टीआरपी। लवपंथी की 0.8 आई है एंड इसकी भी ठीक ही एंड स्टेबल है, सबसे हाईएस्ट टीआरपी आई है इस बार अजादा टीवी पर लवपंथी की। वैसे दोनों के दोनों शो की टीआरपी काफ़ी बेटर आई है इस बार आजाद टीवी की। अब हम एंड टीवी की टीआरपी देखें तो बाल शो के 0.2 आई है, एक महानायक डॉक्टर बीआर अंबेडकर के 0.4 आई है, घर एक मंदिर के 0.2 आई है। ये शो ऑफ एयर भी जा रहा है और भी क्या चल रहा है कि काफ़ी लोएस्ट हो चुके हैं, 0.1 ही है। एंड हप्पू सिंह की उल्टन पल्टन के 0.4 आई है एंड भाभी जी घर पर एक 0.4, तो इसकी ठीक ही टाइक है। एंड जो कि भाभी जी घर पर में नया पेंड से वो इस सीरियल को छोड़ रही है, इनकी जगह आपको एक नए एक्ट्रेस देखने को मिलने वाली है। ये थी एंड टीवी की टीआरपी जिसमें कि हाईएस्ट शो भाभी जी है, हप्पू है एंड बीआर अंबेडकर हैं। अब हम स्टार भारत की टीआरपी देखें तो ससुराल गेंदा फुल सीजन 2 की आई है 0.2 रेटिंग पॉइंट एंड जब से शुरू हुआ है इतनी है ना बड़ी है ना घटी है। तेरा मेरा साथी की 0.5 है एंड स्टेबल एंड ठीक है। राधा कृष्ण की 0.5 है और जय कन्हैया लाल की भी 0.5 है। तो ये तीनों शो की टीआरपी स्टेबल है, सिर्फ ससुराल गेंदा फुल 2 की ही कम है। एंड एस एस राजन शाही का नया शो आने वाला है वो तो अलबेला, वो कितनी टीआरपी लेकर आता है वो काफ़ी एक्सपेक्ट करने जैसा है वो शो। एंड अभी भी काफ़ी सारे शो आने वाले स्टार भारत पर, जैसे कि शबूर आलूवालिया का नया शो आने वाला है एंड फिल्म फार्म इंडिया का शो आने वाला है। उन शो की अपनी वीडियोस नहीं देखी तो जाके देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। ये थी हमारे लिए स्टार भारत की टीआरपी, ठीक ही है स्टार भारत की टीआरपी। अब हम दंगल टीवी की टीआरपी देखें तो रक्षाबंधन की 0.7 आई है एंड चैनल पर हाईएस्ट टीआरपी है। नथ जेवरिया जंजीर की 0.5 आई एंड स्टेबल है। मन सुंदर और सिंदूर की कीमत की भी 0.5 आई है एंड इस शो में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। रंग जाओ तेरे रंग में की 0.6 आई है, पिछले वीक इसकी 0.7 आई थी एंड आपको इसमें 0.1 की गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे इसकी हाईएस्ट टीआरपी 0.9 आई थी। वैसे हम देखें तो दंगल टीवी की किसी भी सीरियल की टीआरपी बुरी नहीं है, स्टेबल ही है एंड काफ़ी बढ़िया टीआरपी है सभी शो की। ये तो थी हमारे दंगल टीवी की टीआरपी एंड काफ़ी बढ़िया है दंगल टीवी की इस बार की टीआरपी। तो अब हम देख लेते हैं सोनी की टीआरपी। तो मेरे साई श्रद्धा और सबूरी की 0.7 आई है एंड पुण्य श्लोक अहिल्या बाई की 0.7 है। तो इन दोनों की स्टेबल एंड ठीक है, बड़े अच्छे लगते हैं। 2 की 0.6 है एंड आपको इसमें 0.1 की गिरावट देखने को मिल रही है। कामना की 0.4 है। मुंह से छिलकिया जाए जो कि नया शो, इसकी 0.3 आई है। दोस्ती अनोखी की 0.2 है। धड़कन जिंदगी की भी 0.2 है एंड क्राइम पेट्रोल जो कि रीटेलीकास्ट हो रहा है इसकी 0.2 आई है। इंडियाज़ गॉट टैलेंट की 1.8 आई है एंड द कपिल शर्मा शो की 1.4 आई है। तो सोनी की टीआरपी ठीक ही टाइक है एंड जो कि रियलिटी शो है वो काफ़ी अच्छी टीआरपी लेकर आती है, बाकी जो कि फैमिली ड्रामा है फिर सोशल ड्रामा है उसकी काफ़ी कम है सोनी पर। ये तो थी हमारे लिए सोनी की टीआरपी। अब हम देख लेते हैं सोनी सब की टीआरपी। तो सब सतरंगी रिक 0.5 आई है, जिद्दी दिल मानना की 0.6 आई है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जो कि लेटेस्ट एपिसोड है उसकी 1.7 एंड काफ़ी कम है, मतलब अब तारक मेहता 2 से नीचे ही आ चुका है। वागले की दुनिया की 0.9 है, शुभलाभ की 0.6 और मैडम सेट की भी 0.6 है एंड सब टीवी पर भी काफ़ी सारे शो आने वाले हैं, जैसे कि धर्म द गरुड़ आने वाला है। तो वो कितनी टीआरपी लेकर आता है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अब देखिए सब टीवी का कुछ राज नहीं हो रहा है कॉमेडी शो पर, तो देखते हैं सब टीवी की टीआरपी आने वाले दिनों में। अब हम देख लेते हैं जी टीवी की टीआरपी। तो इस मोड़ से जाते हैं कि 0.5 है एंड काफ़ी स्टेबल है टीआरपी। रिश्तों का मांझा की 0.6 आई है, इस ये जो शो है वो ऑफर जा रहा है। मीत की 1.5 है एंड काफ़ी बढ़िया टीआरपी है मीत की। काशीबाई बाजीराव भल्लाल की 0.9 आई है, भाग्य लक्ष्मी की 2.1 आई है एंड कुमकुम भाग्य की 2.3 आई है। इसमें से पूजा बैनर्जी अब क्विट कर चुके इस शो को। कुंडली भाग्य की 2.0 एंड तीनों की तीनों भाग्य 2 से ऊपर ही है। तेरी बिना जया जाया ना की 1.0 है, अगर तुम होती कि 0.6 है तो स्टेबल है ठीक है।
स्वर्ण स्वर भारत की 0.6 आई है एंड सारे का मापा की 1.2 आई है, और जो कि जी रिश्ते अवार्ड हुआ था अभी कुछ टाइम पहले उसकी 1.9 आई है। ये तो थी हमारे लिए जी टीवी की टीआरपी, काफ़ी बढ़िया आई है इस बार। जो कि मोनी रॉय का नया शो आने वाले DID, वो कितना कमाल कर पाता है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। एंड मिठाई नाम का भी एक नया शो आने वाला, तो देखते आने वाले दिनों में जी टीवी की TRP कितनी आती है। तो आपको मतलब काफ़ी इंतज़ार होगा कलर्स टीवी की TRP देखने का, क्योंकि इस बार नागिन 6 की भी TRP आ चुकी है। वैसे थप की प्यार की 2 की 0.7 आई है, ससुराल सिमरगा की 1.3 आई है एंड उड़ारिया की 2.2 आई है, छोटी सरदारनी की 1.5 आई है एंड चारों के चारों अर्ली टाइम स्लॉट वाली TRP की ठीक है। सिर्वतम की 1.3 आई है, बाली का मतलब 2 की 0.9 आई है एंड इसको वोट पर शिफ्ट कर दिया है। नीमा डेंजम्पा की 1.1 आई है, थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी की 1.0 आई है, परिणीति जो कि इनका नया शो था उनकी 1.0 आई है, फना इश्क में मरजावा की 0.7 आई है एंड इसके काफ़ी कम है एंड ये शो ऑफिर भी जा सकता है। हुनरबाज की 1.4 आई है इस बार एंड कलर्स के शो की TRP ठीक ही ठाक है एंड आप वेट कर रहे होगी नागिन 6 की TRP, तो इस बार आई है इसकी 2.1 TRP। एंड मैंने आपको कहा था कि जिसने नाम सही गेस किया उसका नाम मैं वीडियो में लूँगा, तो एक ही जन ने सही नाम गेस किया है, जिसने कि TRP सही गेस की है उनका नाम है क्रेजी फॉर टैग। तो इन्होंने इसका कमेंट आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि 2.1 की उन्होंने TRP गेस की थी एंड ठीक ही आई है। एंड वैसे काफ़ी सारे लोगों ने TRP गेस की थी पर उनकी राइट नहीं आई है। अभी हम देख लेते हैं स्टार प्लस की TRP, तो सीरियल चीकू की मम्मी दूरकी की 0.7 एंड एटलीस्ट इसकी TRP बढ़ भी रही है। विद्रोही की 0.5 आई है, कभी कभी इत्तेफाक की 1.1 आई है, इसकी ठीक ही स्टेबल है। पांड्या स्टोर की 1.7 आई है एंड इसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। गुम है किसी के पैर में की 2.8 आई है एंड इमली की 2.6 आई है, इसमें 0.2 की गिरावट आई है। साथ निवाना साथिया 2 की 2.0 आई है, 2+ आई है इस बार। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि 2.5 आई, अनुपमा की 3.5 आई है एंड इसमें 0.7 की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। काफ़ी भारी गिरावट आई है इस बार अनुपमा में। ये है चाहते कि 2.7 आई है, तो इसकी टेबल है एंड लीप के बाद ठीक ही आ रही है इसकी TRP। वैसे स्टार प्लस के सारे शो की TRP ठीक ही है, सिर्फ विद्रोही की कम है एंड स्टार प्लस पर काफ़ी सारे अपकमिंग शो आने वाले हैं, जैसे कि ये झुकी झुकी सी नज़र और बनी जाओ होम डिलीवरी। इसकी डिटेल जाननी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, जाके देखिए। ये तो थी Week 7 की फुल बार की TRP रिपोर्ट, जिसमें कि हमने आपको ये बताया है कि आपका जो कोई फेवरेट सीरियल है, आपका जो कोई फेवरेट चैनल है, उनकी इस बार रैंकिंग क्या है एंड TRP क्या है। आपका जो कि फेवरेट सीरियल, आपका जो कि फेवरेट चैनल है वो कौन सा है, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जैसे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अभी के लिए इतना ही, चलता हो मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में।